गुड मॉर्निंग। लेक्चर सीरीज की श्रृंखला में हम आज ट्रांसफरेंस नंबर कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और क्या होता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं, एक उसको समझेंगे और इसमें इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं हिटॉर्फ मेथड और मूविंग बाउंड्री मेथड, इसको समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से आयन मूव करता है और आयन्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसको आगे समझने से पहले हम समझेंगे अर्हेनियस थ्योरी के बारे में। अर्हेनियस ने 1884 में एक थ्योरी दी कि किस तरीके से जब दो आयन्स डिसोशिएट होते हैं तो डिसोशिएट होने के बाद क्या मिलता है, और अर्हेनियस कहते हैं कि डिसोशिएशन के बाद एक पॉजिटिव होता है आयन और एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों कंडक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, और जब किसी भी सॉल्यूशन में जब कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो इन्हीं आयन के मूवमेंट की वजह से, इन आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर की वजह से कंडक्शन होता है। इसी बात को आगे जो आयन्स की रिलेटिव स्पीड है उसको समझने के लिए हिटॉर्फ ने एक नियम बनाया जिसको हम हिटॉर्फ रूल के नाम से जानते हैं, और उनका एक एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। और बोर्ड में हमने हिटॉर्फ एक्सपेरिमेंट को डिस्प्ले किया है, हिटॉर्फ ने किस तरीके से आयन के मूवमेंट को समझने की कोशिश की, जो उनका हिटॉर्फ रूल था उसको समझने की कोशिश की। हमारे सामने दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं और दो इलेक्ट्रोड, एक राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रोड जो दिख रहा है उसको हम कैथोड बोलते हैं, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि हम इस पूरे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, हिटॉर्फ ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो रॉड डाली, एक को कैथोड नाम दे दिया गया जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता है और एक को पॉजिटिव चार्ज नाम दिया जिसको हम एनोड कहते हैं। तो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर इसके अंदर का जो मूवमेंट है उसको देखा। इस पूरे सेल, इस पूरे सिस्टम को हिटॉर्फ ने तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। एनोड की तरफ का जो पोर्शन था उसको एनोड कंपार्टमेंट बोला गया, कैथोड की तरफ का जो पोर्शन था उसको कैथोड कंपार्टमेंट बोल दिया गया, और मिडिल पोर्शन को मिडिल कंपार्टमेंट नाम दिया। जैसे हमने लिखा है एनोड की साइड का जो पोर्शन था इसको, ये इमेजिनरी प्लेन है जो डैश लाइन से दिखाई दे रही है, इस इमेजिनरी प्लेन ने इस पूरे तीन कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड किया। पूरा सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पोजीशन वन है, पोजीशन टू है, ये पोजीशन थ्री है और पोजीशन फोर है। फर्स्ट पोजीशन में हिटॉर्फ ने एक्सप्लेन किया कि जो मिडिल कंपार्टमेंट में है पांच पॉजिटिव आयन और पांच नेगेटिव, यानी पांच कैटायन और पांच एनायन दिखाए, और कैथोड कंपार्टमेंट में चार कैटायन चार एनायन, इसी तरीके से एनोड कंपार्टमेंट में चार कैटायन और चार एनायन। तो फर्स्ट पोजीशन हिटॉर्फ के माध्यम से ये बताएगी कि इस पोजीशन में किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा है। फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के बेस्ड ऊपर नियम दिए, और फैराडे का नियम ये बोलता है कि जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में पास करेंगे तो कैथोड और एनोड दोनों के पास डिपॉजिट जो कैटायंस और एनायंस होंगे उनकी स्पीड इलेक्ट्रिसिटी के इंटेंसिटी के ऊपर होगी। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ द आयन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। तो उसको ही, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हिटॉर्फ ने ये ध्यान रखा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट तो उस कंडीशन में किस तरीके से मूवमेंट होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रही है, इसका मतलब है अभी हमने एनोड और कैथोड पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कराई है। तो मिडिल कंपार्टमेंट, एनोड कंपार्टमेंट और कैथोड कंपार्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई दी जाती है तो हम ये मानते हैं कि जो एनोड का पार्ट है मूवमेंट होता है इसमें, तो जैसे ही एनायन एनोड की तरफ, एनोड हम जानते हैं पॉजिटिव है और एनायन मूव करेंगे, तो एनायन मूव करेंगे तो बेसिकली
इस कैथोड पे कंसेंट्रेशन एनायन की कम हो जाती है. फॉल ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन इज लेसर देन, क्योंकि यहाँ पे कैथोड की कंसेंट्रेशन में यहाँ पे कमी आ गई. यानी अगर इस तरीके से मूवमेंट होता है, पॉजिटिव कैटायन इस इधर मूव कर रहे हैं और नेगेटिव यानी हमारे कैटायन अगर मूव करता है कैथोड की तरफ, एनायन अगर एनोड की तरफ मूव करता है, तो फॉल ऑफ द कंसेंट्रेशन इसकी कम होगी. और इलेक्ट्रोलिसिस और बढ़ा दिया जाता है तो इनकी कंसेंट्रेशन का फिर फॉल होना शुरू होता है. नेगेटिव मूव करता है एनोड की तरफ और पॉजिटिव आयन मूव करता है कैथोड की तरफ. डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जब हिटॉर्प ने इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई कि जब जितनी इंटेंसिटी का हम इलेक्ट्रिसिटी में पास कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिस इंटेंसिटी के बेसिस पे मूवमेंट ऑफ द आयन टूवर्ड्स द नेगेटिव द अपोजिट साइन इलेक्ट्रोड कैट हैपन. इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की तरह मूव करना शुरू करता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरह मूव करना शुरू करता है. जब मूवमेंट होगा आयंस का तो कैथोड के अराउंड इसकी कंसेंट्रेशन का फॉल होगा और एनोड के अराउंड इसकी कंसेंट्रेशन का फॉल होगा, इसकी कंसेंट्रेशन में कमी आएगी. जो कंसेंट्रेशन में कमी और ज्यादा उसका जो बढ़ाव है वो डिपेंड करता है उसके मूवमेंट ऑफ आयंस के ऊपर. जितना ज्यादा मूवमेंट होगा कंसेंट्रेशन उतना कम होगा, और कंसेंट्रेशन जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी मोबिलिटी होगी. अभी हिटॉर्फ मेथड के माध्यम से हिटॉर्फ ने अपने एक कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन उन्होंने हिटॉर्फ्स रूल के नाम से लिया. कि कंक्लूजन ये बताया गया कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉल अराउंड एनोड, एनोड के चारों तरफ. एनोड हमें हमने इससे पहले कंपार्टमेंट में ध्यान दिया था, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास एनोड का कंपार्टमेंट था. तो उसके अराउंड जो कंसेंट्रेशन में कमी हो रही है आयंस की, डिवाइडेड बाय फॉल अराउंड एनोड, इसका जो रेशियो है वो हमेशा होगा स्पीड ऑफ द कैटायन और स्पीड ऑफ द एनायन के रेशियो की. हम जानते हैं कि जितनी स्पीड कैटायन की होगी, कैटायन मूव करेगा एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ, और एनायन मूव करेगा एनोड की तरफ. या हम जानते हैं नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करता है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा. तो हिटॉर्फ ने एक अपना नियम बताया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक नियम बना कि द फॉल अराउंड एनोड डिवाइडेड बाय द फॉल अराउंड कैथोड, यहां पे कैथोड आएगा, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एनायन. और इसकी वैल्यू अगर हम इसको स्पीड v से इंडिकेट करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं v पॉजिटिव अपॉन v नेगेटिव. तो इन कंडीशन, इस कंडीशन में हिटॉर्फ के कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए एक नई बात समझ में आई जिसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर के नाम से जानते हैं. ट्रांसपोर्ट नंबर या इसको नाम दिया जाता है ट्रांसफेरेंस नंबर. और ये ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफेरेंट नंबर डिपेंड करता है कि आयंस की कितनी मोबाइलिटी है. और हम जानते हैं फैराडेस के नियम के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी आयंस की, उतनी अधिक मोबाइलिटी होगी. और जिसकी अधिक मोबाइलिटी होगी उतना ही उसकी ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू आएगी. यदि हम ट्रांसपोर्ट नंबर को एक्सप्लेन करते हैं तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनायन और कैटायन विद रेस्पेक्ट टू द एनायन और कैटायन. कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर को इंडिकेट करने कैटायन की इंडिकेशन के लिए हम टी पॉजिटिव बोलें और एनायन के इंडिकेशन के लिए टी नेगेटिव बोलें. इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, लेकिन हम इसको समझते हैं इसकी स्पीड के टर्म्स में. स्पीड of the cation divided by the total speed of the ions in solution. This is the fraction basically. यह एक अनुपात है जो अनुपात बताता है कि total movement कितना हुआ, total mobility ions की कितनी थी, और especially cation की respect में. तो total के respect में cation की, total के respect में anion की, यह उसके transport number को indicate करता है. और यह transport number हिटॉर्फ के इस नियम के बेसिस पे इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कंसेंट्रेशन कम कहाँ हुई, कंसेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ हुई. अगर जहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है उसका रेशियो हम देखें, और जहाँ पे कंसेंट्रेशन कम होती है
कंसेंट्रेशन कम सिर्फ और सिर्फ उसकी मोबाइलिटी के ऊपर निर्भर करती है, और टी पॉजिटिव इज इक्वल टू वी, अगर इसको मोबाइलिटी हम बोलते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे है कैटायन के लिए और नेगेटिव है एनायन के लिए। तो एनायन का मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू द टोटल मूवमेंट मोबाइलिटी ऑफ द आयंस, और एनायन का यहाँ पे टर्म्स अगर देखें मोबिलिटी ऑफ द आयंस डिवाइडेड बाय टोटल मूवमेंट ऑफ द आयंस, टी पॉजिटिव टी नेगेटिव नंबर वन नंबर टू। अगर इसको इस क्वेश्चन माने अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हम जानते हैं द टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पर्टिकुलर आयंस एंड कैटायंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, ट्रांसपोर्ट नंबर इज बेसिकली द फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ द कैटायन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मूवमेंट ऑफ द आयन, एंड द फ्रैक्शन ऑफ कैटायन एनायन विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द आयंस। इसके और एक्सप्लेन तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा और हम समझते हैं एक एग्जाम्पल। नाउ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन जो पहले से लिखा गया है, क्वेश्चन इज बेसिकली द स्पीड रेशियो, शब्द हमें समझना है स्पीड रेशियो यानी मोबिलिटी ऑफ सिल्वर एंड नाइट्रेट आयंस। सिल्वर Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट था वो था AgNO3। सिल्वर एंड नाइट्रेट आयंस इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जो कि इलेक्ट्रोलाइज्ड है बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड, और वो जो रेशियो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 9.16। ध्यान देंगे एक बार फिर से, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बोलता है कि द स्पीड रेशियो, रेशियो है किस किस का, सिल्वर और नाइट्रेट आयन का, किसमें, सिल्वर नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जिसको कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइज किया गया है, उसकी वैल्यू आई है 0.916। तो फाइंड आउट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ टू आयंस, क्वेश्चन फिर से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों आयंस के, किस किस आयंस के, Ag पॉजिटिव और NO3 के। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें ये लिखना होगा कि क्या क्या हमें दिया गया है, गिवन दैट, गिवन दैट व्हाट इज द गिवन, द रेशियो ऑफ मूवमेंट और स्पीड ऑफ सिल्वर एंड नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, इसकी वैल्यू दी गई है 0.916। हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर सिल्वर आयन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। हम इस इक्वेशन से निकालने की कोशिश करेंगे, ये हमें जो दिया गया है इसको निकालने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है उसको हम समझते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन विल बिकम इक्वल टू मोबाइलिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय द मोबाइलिटी ऑफ नाइट्रेट प्लस मोबाइलिटी ऑफ सिल्वर आयन, दोनों के समीशन को हम ट्रांसपोर्ट नंबर यहां बोलेंगे। इसी वजह इसी तरीके से हम नाइट्रेट का ट्रांसपोर्ट नंबर की अगर निकालने की कोशिश करें इक्वेशन, तो हमें मिलेगा मूवमेंट ऑफ द आयन ऑफ नाइट्रेट डिवाइडेड बाय टोटल मूवमेंट ऑफ सिल्वर एंड नाइट्रेट। इक्वेशन नंबर वन है हमारे सामने, इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन नंबर वन और अगर टू को हम डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3 नेगेटिव इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दी गई है। अगर हम इसको कंसिडर करें कि इसका मान अगर जो भी हमारे पास सामने है वो का हाँ रहा 0.916, तो हमने एक सिंपल सा एप्लीकेशन किया। इस सिंपल एप्लीकेशन के बाद हम ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेशियो हमें मिला है वो रेशियो कैसे ट्रांसपोर्ट नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। हमारे पास सिर्फ वही वैल्यू मिली, इनका जो रेशियो था वही ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशियो भी है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ए जी will be multiplied by the 0.916 into transport number of nitrate. अभी transport number of nitrate हमें individually calculate करना है। इसके लिए हम थोड़ा और आगे इसको continue करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास value मिली थी वो मिली थी transport number of Ag positive divided by transport number of
नाइट्रेट इक्वल्स टू 0.0916, ये वैल्यू हमारे पास थी। हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर एजी पॉजिटिव हमेशा इक्वल हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर वेलोसिटी ऑफ एजी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ वेलोसिटी ऑफ एजी पॉजिटिव प्लस वेलोसिटी ऑफ NO3 नेगेटिव। ये हमारे पास वैल्यू हुई और इस वैल्यू से हम अगर इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास मिला वेलोसिटी वन से अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी वैल्यू से सबको दोनों को डिवाइड करते हैं वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन वेलोसिटी, ये तो इसकी वैल्यू वन आ गई, प्लस वेलोसिटी ऑफ NO3 नेगेटिव डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ AG पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास वैल्यू मिली है ये हमें ऑलरेडी पता है और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/1 + 0.916। और जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में हमारे पास वैल्यू हमें मिलेगी वो है टी ए पॉजिटिव, इसको कैलकुलेट करना होगा 1 + 0.521, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हमारे पास अगर एजी पॉजिटिव हम नाइट्रेट के बेसिस पे देखते हैं इसको नाइट्रेट के बेसिस पे देखेंगे तो और आसान हमें मिलेगा। नाइट्रेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट डिवाइडेड बाय वन वेलोसिटी ऑफ सिल्वर प्लस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट, तो हमें मिलेगा 1/1 वैल्यू मिल जाएगी 1 + VAg पॉजिटिव डिवाइडेड बाई VNO3 नेगेटिव। इसकी वैल्यू हमें पता है वेलोसिटी ऑफ एजी पॉजिटिव डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ एन ओ थ्री भी हमने निकाला 1/1 + 0. इसकी वैल्यू हमारे पास थी 916 एंड 916 कैलकुलेट करेंगे इसको 1/1 + 1.916 इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.521। नाउ अगर हमारे पास नाइट्रेट की वैल्यू मिल गई ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट बहुत आसानी से मिल गया तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर हम निकाल सकते हैं 1 - ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट। अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें 0.521 तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, ये मिल जाएगी 0.974479 एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर इज 479 एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट इज 0.521। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा हमें समझना इतना है कि इसका रेशियो अगर ये मिल रहा है तो ये इसके इक्वल है और इसके बेसिस पे हम ट्रांसपोर्ट नंबर को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर की इस मैथमेटिकल को चेंज करने के बाद हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एजी पॉजिटिव आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज अ वे बाय विच वी कैन इजली फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन हमने समझा कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए दो मेथड हमारे सामने हैं, एक है हिटॉर्फ मेथड और दूसरा है मूविंग बाउंड्री मेथड। आइए उसको जानते हैं वो क्या है। हम अब नेक्स्ट समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल जो मेथड एम्प्लॉयड हैं जो अपनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मदद देती हैं। हमारे पास दो मेथड हैं, एक को हम हिटॉर्फ मेथड कहते हैं और दूसरी है मूविंग बाउंड्री मेथड। हिटॉर्फ मेथड का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमारे सामने है और इसको हम समझते हैं। हमारे पास तीन कंपार्टमेंट हैं, वन कंपार्टमेंट अनदर कंपार्टमेंट एंड अनदर कंपार्टमेंट। पहला जो कंपार्टमेंट है उसको हम एनोड कंपार्टमेंट का नाम दे रहे हैं क्योंकि एनोड कंपार्टमेंट में बेसिकली क्या लेफ्ट हैंड साइड में बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट है इसलिए हमने इसको एनोड बोला, तो इसको हम एनोड कंपार्टमेंट बोलते हैं। राइट हैंड साइड को हम कैथोड कंपार्टमेंट बोल रहे हैं और इसके अंदर सब है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, हमने इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है
और जो इलेक्ट्रोड हमें दिखाई दे रहा है जिसको प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम बोल सकते हैं, और वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ पे सब कंपार्टमेंट में खास तौर पे राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट में अटैच है, तो पॉजिटिव और इसको हम नेगेटिव हमने बोला। एक को हम कैथोड बोलते हैं, दूसरे को हम एनोड कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। हर कंपार्टमेंट में, चाहे वो मिडिल कंपार्टमेंट हो, एनोड कंपार्टमेंट हो और कैथोड कंपार्टमेंट हो, एक ड्रेनेज ड्रेन करने के लिए हमने कॉक यहाँ पे लगाई है जिसको हम इजीली ड्रेन आउट कर सकते हैं। जो भी इसमें सॉल्यूशन है उसको हम ड्रेन डाउन कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी लगभग 0.01 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी फॉर 3 आवर्स। इस पूरे कंडीशन में 0.01 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 3 आवर्स के लिए पास की जाती है। और पास करने के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास कौन कौन सा ये रेजिस्टेंस हमने लगाया है कि इसकी वेरिएबल है, मीटर हमने लगाया है और साथ में ये बैटरी हमें दिखाई दे रही है, और हम सिल्वर वोल्टामीटर कैलोरीमीटर भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये डिपोजिशन के लिए यूज किया जाएगा। और 3 घंटे तक जब इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस पास करने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है और इस एनोडिक कंपार्टमेंट से जो सॉल्यूशन है उसको हम ड्रेन कर लेते हैं, हम उस सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले काम हमारा है, इस पूरे सिस्टम को हमने अरेंज किया, लगाया और उसमें 0.1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 3 आवर्स के लिए पास की। पास करने के बाद 3 घंटे तक हमने इसको रोक लिया और फिर इस सर्जिकल कॉक से बंद कर दिया और ड्रेन डाउन कर दिया जो हमारे पास एनोड कंपार्टमेंट है उसके सॉल्यूशन को। इसको ड्रेन करने के बाद हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है। इसको यहाँ से हमने ड्रेन कर लिया और इसकी जो डिपोजिशन इलेक्ट्रोड में जो डिपोजिशन है वो डिपोजिशन भी हमने नोट डाउन कर ली। इसका हमने वेट निकाल लिया, वेट ऑफ डिपोजिटेड सिल्वर। यानी हिटॉर्फ ने ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए इस पूरी सिस्टम का यूज किया, जहां पर उन्होंने 3 कंपार्टमेंट दिए, एक को एनोडिक कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट और कैथोड कंपार्टमेंट बोला। तीनों कंपार्टमेंट में आयंस की वेरिएशन को देखने के लिए उन्होंने 3 घंटे तक 0.1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और फाइनली 3 घंटे के बाद जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उसमें से एजिस NO3 का सॉल्यूशन ड्रेन डाउन कर लिया और साथ साथ में वेट ऑफ डिपॉजिटेड सिल्वर ले लिया। तो 2 कंडीशन हमारे सामने अराइज होती हैं जो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है। बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की गई है, तब क्या कैलकुलेशन हमारे सामने आती है, जो एनोडिक जो सॉल्यूशन जो हमने बाहर लिया गया था उसका कितना वेट है, जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पहले का जो उसमें वेट का जो सॉल्यूशन है, अगर हमने उसको 1 ग्राम मान लिया जो भी हमारे पास सॉल्यूशन था, और जो हमारे पास AgNO3 का जो सॉल्यूशन यहाँ से ड्रेन डाउन किया जाता है उसमें सिल्वर को टाइट्रेट किया जाता है। सिल्वर को टाइट्रेट करते हैं हम बोरेक्स से, हाइपोसॉल्यूशन से इसको टाइट्रेट किया जाता है, इसको हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। जो ड्रेन डाउन सॉल्यूशन है उसको टाइट्रेशन करने के बाद हमने देखा कि उसका टाइट्रेशन में AgNO3 कितना सॉल्यूशन है। पहली बात हमने निकाला कि एनोडिक सॉल्यूशन कितना टेकन आउट बाहर निकाला गया 1 ग्राम, और जो सॉल्यूशन AgNO3 के टाइट्रेशन करने के बाद मिला वो हमने मान लिया 20 ग्राम। तो जो 1 ग्राम और 20 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसका जो इसमें प्रेजेंट वाटर है उसका वेट मिलेगा। वेट ऑफ द वाटर इज नाउ द सब्ट्रैक्शन ऑफ कितना बाहर लिया गया और कितना Ag प्रेजेंट है। तो दोनों को हमने डिवाइड घटा लिया, A - B ग्राम हमें मिला वेट ऑफ वाटर। ये तो बात रही आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। पास इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद 3 घंटे के बाद हम इसमें से AgNO3 का सॉल्यूशन ड्रेन डाउन कर रहे हैं। उस AgNO3 के सॉल्यूशन को ड्रेन डाउन करने के बाद हम इसका टाइट्रेशन करते हैं, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन किया जाता है और उसका वेट निकाला जाता है। पहला हम वेट निकालेंगे कि इसमें से कितना ड्रेन डाउन किया गया, दूसरा हम निकालेंगे कि AgNO3 टाइट्रेशन में कितना प्रेजेंट है। दोनों की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करते तो इसमें हम इजीली निकाल सकते हैं कि वाटर कितना है। 3 चीज हमें आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और हम इसको कंपेयर करते हैं बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पहले, करंट पास करने से पहले हमारे पास AgNO3 का जो वेट है हम मान लेते हैं 100 ग्राम रहा, और
इन दोनों चीजों को निकालने के बाद हम निकालते हैं कि फॉल ऑफ द कंसंट्रेशन। अभी तक हमें ये समझ में आया था कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, अब उस चेंज को हम रेशियो के रेस्पेक्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं, फॉल ऑफ द कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन में कमी आई बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग और बिफोर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पहले और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद इसकी कंसेंट्रेशन में जो चेंज है वो हमने कैलकुलेट किया, और एक में हमारे पास कंसेंट्रेशन 20 ग्राम आ रही थी, एक में कंसेंट्रेशन हमारी हमारी 80 ग्राम, जब दोनों को सबट्रैक कर लिया तो हमें फॉल ऑफ द कंसेंट्रेशन मिल जाएगा कि कंसेंट्रेशन में कितनी कमी आई। और कंसेंट्रेशन में कमी आने के लिए हमने जब उसको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एजीएनओ3 लेने की कोशिश की तो हमारे पास वैल्यू मिली सी माइनस पी डिवाइडेड बाई 170, तो हमें इसका ग्राम इक्विवेलेंट मिला। और साथ साथ में हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि डिपोजिशन जो सिल्वर का हुआ, जो हमारे पास यहाँ जो सिल्वर वोल्टामीटर है इसमें हम सिल्वर डिपोजिटेट निकालेंगे कि कितना सिल्वर मूव हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। उसको निकालने के लिए, निकालने के बाद दो चीजें निकाल रहे थे हम, हमने निकाला कंसेंट्रेशन ऑफ एजी विद हेल्प ऑफ द टाइट्रेशन, वेट ऑफ द डिपोजिटेड सिल्वर। तो हम मान लेते हैं डिपोजिटेड सिल्वर की वैल्यू हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू है, सिल्वर का वेट 108 ग्राम ओवरऑल। अगर इसको हम कैपिटल दो वैल्यू हमारे सामने है समझने की, पहला फॉल ऑफ द कंसंट्रेशन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग और बिफोर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, कितनी गिरावट आई वो निकाला हमने, और वैल्यू से सी माइनस बी अपॉन 170। तो और सिल्वर जो डिपॉजिटेड हुआ वो निकाला। इसको निकालने के बाद इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, इन वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमने ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर निकाला। और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर बेसिकली द रेशियो ऑफ द फॉल ऑफ द कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, एनोड में कंसेंट्रेशन में कितनी कमी आई, क्योंकि कंसेंट्रेशन हम निकाल रहे हैं एजी एनओ3 की, कितनी कंसेंट्रेशन कम आई डिवाइडेड बाय कितना सिल्वर यहाँ डिपॉजिट हुआ। दो चीजें हमें देखनी है कि कितनी कंसंट्रेशन में कमी आई एनोड के अराउंड और कितना सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, जो दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो हमें मिलेगा ट्रांसपोर्ट नंबर। और खास तौर पे सिल्वर की हम बात कर रहे हैं तो सिल्वर को निकालने के लिए हम बात करते हैं कितना सिल्वर में कमी आई और कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ। यदि हमें ट्रांसपोर्ट नंबर इन दोनों की वैल्यू मिल जाती है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं डब्ल्यू की वैल्यू, हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी की वैल्यू, तो हम आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। और जिसको यहाँ पे इसको डी की वैल्यू हम बोलेंगे, और ये जो डी की वैल्यू है जहाँ पे फॉल ऑफ द कंसंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइडेड बाय सिल्वर डिपॉजिटेड एट द सिल्वर वोल्टामीटर, हम उसको सिल्वर का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। इफ वी हैव दिस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर, अगर टी एजी पॉजिटिव हमारे सामने इसकी वैल्यू मिल जाती है तो हम टी एनओ थ्री निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, समेशन ऑफ बोथ दी ट्रांसपोर्ट नंबर विल बी इक्वल टू वन। और अगर हमें ए जी पॉजिटिव का कोई वैल्यू मिल गई, मान लेते हैं एक्स मिल गई, तो हम इसकी नाइट्रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द मैथड बाय विच वी कैन ईजली फाइंड आउट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ईच आयन। अगर एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास हिटॉफ ने तीन चैम्बर से युक्त एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी पास की 0.01 एम्पियर की 3 घंटे तक, और 3 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जब एनोड कंपार्टमेंट से एजीएनओ3 का सॉल्यूशन ड्रेन डाउन कर लिया गया, उस ड्रेन डाउन को कंसेंट्रेशन निकाल ली गई विद द हेल्प ऑफ द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के बाद हमने जो सिल्वर वोल्टामीटर था यहाँ की डिपॉजिटेड सिल्वर का वेट निकाल लिया। इन दोनों की मेथड से हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सम वैल्यूज आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड बिफोर द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द फॉल ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर अराउंड एनोड एंड द सिल्वर डिपॉजिटेड एट द सिल्वर वोल्टामीटर। बोथ कंडीशन शुड बी टेकन, और दोनों चीजों को लेने के बाद उसका रेशियो निकाला गया, वही रेशियो ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाएगा, कितनी कमी में बदलाव आया और डिपॉजिट कितना हुआ, दोनों का रेशियो ट्रांसपोर्ट नंबर हमें मिला। और ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द वेट फॉर्मूला, एंड फाइनली एक का अगर हमें मिल गया हम दूसरे आयन का आसानी से ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। दिस इज द वन मैथड बाय विच वी कैन इजली फाइंड आउट, वी कैन इजली डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर। नाउ हम समझेंगे दूसरी मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड। नाउ हम ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए जो तुम्हारे पास दूसरी मेथड है
मूविंग बाउंड्री मेथड उसको समझते हैं। मूविंग बाउंड्री मेथड में एक कॉलम वर्टिकल कॉलम है जिसमें दो तरह अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं और दो अलग अलग सॉल्यूशन इसमें रखे गए हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं जो टॉप में है हमारे पास उसमें हमने HCl फिल किया हुआ है और जो इसकी बॉटम में है ये हमने फिल किया हुआ है कैडमियम क्लोराइड, और दोनों एक दूसरे के बीच में एक बॉर्डर बनाते हैं। ये जो पॉइंट है A A डैश, ये इनकी दोनों की डिफरेंट बिहेवियर की वजह से एक एरिया बना देते हैं, एक बॉर्डर तैयार करता है दोनों के बीच में, इसलिए इन दोनों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया गया। कैथोड हमारे सामने है यानी नेगेटिव चार्ज हमने देखा कैथोड का, तो कैथोड हमने HCl में डिप किया और हमने एनोड बनाया कैडमियम की स्टिक का। ये हमारे पास प्लैटिनम की रॉड है, प्लैटिनम का एक पर्टिकुलर पोर्शन है और जिसको HCl के सॉल्यूशन में डिप किया गया, और दूसरे एंड पे हमारे पास कैडमियम की स्टिक है जिसको हमने एनोड बोला जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इस पूरे इसका सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक एक पर्टिकुलर बाउल लिया जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके बाद हमने इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ते हुए बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो जब इस पूरे स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो ऑन करने के बाद इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू होती है। ये जो ऊपर हमारे पास कॉलम दिख रहा है जिसमें हमको कैथोड बनाया HCl सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है तो H पॉजिटिव आयन मूव करता है, तो H पॉजिटिव आयन की पोर्शन को मेंटेन करने के लिए कैडमियम भी H पॉजिटिव आयन की प्लेस को रखता है। तो इसकी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री A A डैश मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और मूव करने के बाद ये अपनी डायरेक्ट अपनी एक नेक्स्ट बाउंड्री को मेंटेन करती है, यानी जो इसका नाम है मूविंग बाउंड्री वो इस मूवमेंट में मूव करने की वजह से ही बोली गई है। ये जो ए से बी तक ये जो बाउंड्री मूव करती है इसीलिए इसको मूविंग बाउंड्री मेथड नाम दिया गया है, क्योंकि मूवमेंट इसलिए हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और दोनों की डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री बनने की वजह से एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस करता है, और रिप्लेस करने यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हुए बाउंड्री को मूव कराने में हेल्प करता है। तो जब बाउंड्री मूव होती है तो इस मूवमेंट में हम आसानी से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है आयन का उसको मेजर कर लेते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए ये युक्ति हमने बनाई, और इस युक्ति को अलग से अगर हम जानने की कोशिश करें, हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में हम कैलकुलेशन लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एनोड पोर्शन और ये कैथोड पोर्शन, इसी का हमने एक दूसरा पार्ट ले लिया जिसमें दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हमने रखे हैं। एक में हमने एक सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल, दूसरे हमने बी एक्स सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल ले लिया। दो बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्रीज ये है और एक बाउंड्री ये है। ये बाउंड्री कब बनी? ये बाउंड्री जब इसको मूव करते हैं ऊपर की तरफ, जब बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव के स्थान को घेरता है तो एक्स जो सॉल्यूशन है एक्स नेगेटिव वो नीचे को मूव करता है और बी पॉजिटिव ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी ये बाउंड्री अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। यदि इफ द लेंथ मूव्ड बाय द बाउंड्री इज एल, एल अगर हम ये बाउंड्री को मूव करने के लिए जो लेंथ है वो बोलते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पर्टिकुलर बाउंड्री का मान लेते हैं ये एस है, और साथ साथ में इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यदि सी है, तो इन तीनों के रिलेशन की मदद से हम आसानी से ट्रांसपोर्ट नंबर ए पॉजिटिव का निकाल सकते हैं। अगर हमें ए पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर मिल गया तो हम इजीली दूसरे यानी दूसरे आयन की यानी एक्स की मूविंग बाउंड्री मेथड की मदद से ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आयन एनायन और कैटायन के ट्रांसपोर्ट नंबर के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश रहता है। एक बार फिर समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक वर्टिकल कॉलम है, इस कॉलम के टॉप पोर्शन पे HCl का सॉल्यूशन रखा गया है, जो और वहाँ प्लैटिनम की एक छड़ लगा के एक प्लेन लगा के प्लेट लगा के कैथोड नाम दे दिया गया। बॉटम पे कैडमियम क्लोराइड और कैडमियम की स्टिक हमने लगा दी और इस पूरे सर्किट को कंप्लीट कर दिया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद
हाइड्रोजन गैस का गोल्यूशन होता है, एच पॉजिटिव आयन मूव करता है, उसको रिप्लेस करता है कैडमियम आयन, तो जिसकी वजह से बाउंड्री मूव करती है, और इसी बाउंड्री मूव करने की वजह से इस मेथड को मूविंग बाउंड्री मेथड नाम दिया गया है। और इसी को अगर हम दूसरे कंडीशन में तरीके से समझने की कोशिश करें, और इनिशियल मान लो इनिशियल बाउंड्री ये थी हमारी, और दूसरी फाइनल बाउंड्री मूव करने के बाद ये रही, और इन दोनों के बीच की अगर लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है, और इसकी कंसेंट्रेशन सी है, तो हम इसके मूवमेंट को आसानी समझ सकते हैं, यानी कितनी नंबर ऑफ ई पॉजिटिव इक्विवेलेंट निकला। ये हमारे पास इधर हम जब देखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए पॉजिटिव, जब बाउंड्री मूव कर रही अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितने इक्विवेलेंट का ए पॉजिटिव मूव करेगा, एस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ ऑफ द बाउंड्री मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन एंड द कंसेंट्रेशन सी विल टेल अस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए पॉजिटिव मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। एक हमें ये मिला। हम मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम में जो करंट पास की गई, मान लेते हैं n फैराडे हमने करंट पास की, और करंट पास करने के बाद मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, तो जब हम देखते हैं दी फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय दी ए पॉजिटिव, तो हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर उसका टी ए पॉजिटिव है, और एन अमाउंट की एन नंबर की फैराडे की करंट हम पास करते हैं, तो वो जो करंट कैरी करेगा वो करेगा एन इंटू टी ए पॉजिटिव। इसने टी ए पॉजिटिव इंटू एन करंट कैरी किया, और दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन will be equal to the fraction of current carried by the A positive ion. दोनों values जब equal होंगी तो हम calculate क्या करेंगे देखते हैं, n into TA plus into equal to S into L into C। एक बार फिर से बता दें, S है cross sectional area, कि उस boundary का जो area है cross section कितना area है, कितनी length की वो upward direction करता है, और उस solution की concentration क्या है, तो दोनों की वैल्यूज इक्वल मिलेंगी हमें, और इक्वल मिलने पर हम इजीली टी ए पॉजिटिव निकाल सकते हैं। टी ए पॉजिटिव इज नाउ इक्वल्स टू एस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ इनटू द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फैराडेज पास्ड इन द इनटू द सॉल्यूशन। और हम जानते हैं एन इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एफ, क्यू है क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ड, एफ इज ए फैराडे कांस्टेंट, और टी ए की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं एस एल C into F, हमने N की वैल्यू पुट की N, और साथ साथ में Q हमारे पास है, तो ये हम TA की पॉजिटिव TA पॉजिटिव वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने आया। अगर हमारे पास S की वैल्यू है, L की वैल्यू है, कंसेंट्रेशन हम पता है, फैराडे कांस्टेंट हम जानते हैं 96,500, हमने क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ट इन वैल्यू रखी, हम इसके ट्रांसपोर्ट नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन निकालना है, हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, अगर एक्स मान लेते हैं इक्वल टू वन, हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले आज पढ़ा ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर हम समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कैथोड और एनोड में कितना कंसेंट्रेशन का चेंज आता है, फॉल आता है, और दूसरा हमने ट्रांसपोर्ट नंबर को बेस्ड न्यूमेरिकल किया, ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हिडोर्फ मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड, हमने इसको समझा।